गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल द टेस्ट टेल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट बिस्किट लड्डू। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अटपटा है लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी है और अगर आपके घर में बच्चे हैं उनको तो बहुत ही पसंद आने वाली है। चलिए आज की वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, उसमें हम डार्क फैंटेसी बिस्किट्स के छोटे छोटे पीसेस तोड़कर डाल लेंगे। यहाँ पे मैं 2 बॉक्स डार्क फैंटेसी बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दीजिए। अब हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे और ये कुछ इस तरह सा दिखेगा। अब इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ बादाम, ये मैंने पहले से ब्लेंड कर रखा था। इसके बाद इसमें हम डालेंगे काजू, जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रखे हैं। और अगर आप चाहें तो कोई और ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसमें अब मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो मार्केट से भी क्रीम ला के यूज़ कर सकते हैं या फिर घर में बनी हुई क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये ज़्यादा वेटी भी नज़र नहीं आएगा, ज़्यादा ड्राई भी नज़र नहीं आएगा। इसका टेक्सचर थोड़ा सा मॉइस्ट रहेगा कुछ इस तरह से। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसमें इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के लड्डू बनाएंगे। बहुत आसानी से इसके लड्डू बन जाते हैं। हमारे बॉल्स बिल्कुल रेडी हैं। इसको हम 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम एक कटोरी में पानी रखेंगे, उसके ऊपर हम एक और बॉल रखेंगे और उसमें छोटे छोटे चॉकलेट के पीसेस डालेंगे। आप यहाँ पे कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप मीडियम फ्लेम में उबाल में लेकर आ जाइए और चॉकलेट जैसे पिघलने लगेगी आप इसको लगातार हिलाते रहिए जब तक चॉकलेट पिघलने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी स्मूथ ना हो जाए। हमारी चॉकलेट पूरी तरह अच्छी से मेल्ट हो चुकी है। अब हम फ्रिज से जो लड्डू है उसको बाहर निकाल लेंगे। इसको एक फॉर्क या फिर कोई भी टूथपिक के हेल्प से आप इसको चॉकलेट से कोट कर लीजिए कुछ इस तरह से। और ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर लीजिए। हमारे चॉकलेट बिस्किट लड्डू बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।